क्लिंट हूबर नाम के व्यक्ति ने सोने से पहले अपने बेड पर डक टेप, जो कि मेटल या फॉइल से बना हुआ था, उसे बिछाया। उस फॉइल में कॉपर वायर एक तार को बांधा, उस तार के दूसरे एंड को अर्थ में गाड़ दिया। वो व्यक्ति उस बेड पे सो गया। सुबह उठने के बाद उस व्यक्ति ने उस रीडिंग को, जो कि उसके डिवाइस में स्टोर हुई थी, UCLA नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके गया, जहां पे उसने दावा किया कि धरती से निकलने वाली एनर्जी से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी पेन खत्म हो सकता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो लोगों ने उसको पागल समझा, गया बेवकूफ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्लिंट हूबर का ये कहना था कि सिर्फ 2 घंटे नंगे पैर घूमने से आपकी बॉडी में इतने बदलाव हो सकते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। इस दावे पर उन्हें रिसर्च करने की अनुमति मिल गई। 60 लोगों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई। आप हैरान हो जाओगे, उन 60 लोगों को नंगे पैर रहना था, जमीन पे सोना था। उसमें ये पता चला कि उन लोगों को जो जो बीमारी थी, जैसे PMS जो बेसिकली फीमेल्स को होती है, वो खत्म हो गई। अर्थराइटिस खत्म हो गया। इन्फ्लेमेशन, जिससे क्रोनिक डिजीज होने की संभावना होती है, वो भी खत्म हो गया। फर्दर स्टडी में देखा गया कि सिर्फ 4 घंटे नंगे पैर घूमने से कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ गया, जो स्ट्रेस की वजह से होता है, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ में।